जय श्री राम दोस्तों, मैं मधुसूदन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो टॉपिक है कि क्या डेयरी फार्म पर जो एचएफ गायें होती हैं, क्या एचएफ गायें होती हैं या क्रॉस ब्रीड जो गायें होती हैं वह हमें मारती हैं, या रखरखाव में हमें कौन कौन सी दिक्कत आती हैं या परेशानी कोई सी आती हैं। तो जैसा कि शाम के बज रहे हैं लगभग 5:30 और सारे पशुओं का मिल्किंग हमने कर लिया है, जो दूध है हमने पानी में रख दिया है ठंडा होने के लिए, ताकि दूध फटे ना और नुकसान से बच सके। नुकसान से हम ही नहीं, यदि हम आगे दूध सप्लाई करते हैं और वह केन में इसे इकट्ठा करते हैं और केन को लगभग 2 से 3 घंटे बाद जो BMC है, बल्क जो दूध का जो चिलर होता है, उसे उसमें डालने के लिए उन्हें काफ़ी टाइम लगता है, तो उनके जो कलेक्शन पॉइंट है वहाँ पर दूध फटे ना, ख़राब ना हो और उन्हें कोई नुकसान ना हो। तो आज हमने बुलवाया हमारी भतीजी साक्षी को कि वह वीडियो हमारा बनाए, क्योंकि जो मोबाइल पकड़ने के लिए एक बंदा चाहिए होता है वो आ चुकी हैं। साक्षी, आप देख सकते हैं, मोबाइल पकड़ने वीडियो बनाने के लिए, तो वह मोबाइल से हमारा वीडियो शूट करेगी और हम सारे पशुओं का एक एक कर आपको वीडियो बनाकर बताएंगे और उनकी खासियत और क्या समस्या हमें आती है वह हमें आपको बताएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, साक्षी गाय के पास खड़ी हैं और गाय कुछ भी नहीं कर रही हैं, तो चलिए चलते हैं एक एक कर मैं आपको खूबियाँ और खासियत बताता हूँ। जैसा कि यह हमारी गाय है, तो काफ़ी शांत गायें एचएफ रहती हैं, आप देख सकते हैं, तो इनका जो दूध है बच्चे भी निकाल सकते हैं, तो कुछ भी नहीं करती हैं, काफ़ी शांत ये रहती हैं। तो जैसा कि मिल्किंग भी आप कर सकते हैं, कोई से भी टाइम कर सकते हैं, दिन में 4 बार मिल्किंग कर सकते हैं। तो यही नहीं, सारी गायें शांत रहती हैं। तो आपको अगली गाय दिखा देते हैं, ये वाली आप गाय देख सकते हैं, यह भी काफी शांत गाय हैं। तो जो एचएफ गाय होती हैं, जो क्रॉस ब्रीड भी गाय होती हैं, तो यदि आप देखकर खरीदते हैं या उनसे प्रेम से आप रहते हैं, उनके साथ हमेशा आप रहते हैं, तो काफी अच्छा बर्ताव वो गायें आपके साथ करती हैं। आप देख सकते हैं यह गाय कितना प्रेम से हमारे साथ घुल मिलकर रहती हैं, सभी गाय रहती हैं। तो कोई सी भी गायें ऐसी नहीं होती हैं जो हमें मारती हैं या मुंह भी हिलाने का काम नहीं करती हैं वो गाय। चाहे आप नीचे बैठ जाएं, चाहे कुछ भी आप कर सकते हैं, और गाय काफ़ी प्रेम से रहती हैं यदि आप उनके साथ प्रेम से रहते हैं। अगली गाय आप देख सकते हैं, यह क्रॉस ब्रीड की गाय है, जो मिक्स ब्रीड आप कह सकते हैं। तो यह भी काफ़ी शांत हैं और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से यह गाय हमारे साथ घुल मिल कर रहती हैं। तो ऐसा नहीं कि जो गाय हैं वो काफ़ी तेज होती हैं या गाय मारती हों, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप इस वाली गाय को देख सकते हैं, यह भी काफ़ी शांत गाय है। तो जो पशु हैं उनके साथ जितना आप प्रेम से रहते हैं, पशु भी आपके साथ उतने अच्छे तरीके से रहते हैं, उतना अच्छा बर्ताव पशु आपके साथ करेंगे जितना अच्छा बर्ताव आप उनके साथ करते हैं। तो आप देख सकते हैं, काफ भी आप देख सकते हैं, ये जो हमारी काफ है इसको आप देख सकते हैं, यह भी काफ़ी शांत हैं, थोड़ी सी चंचल ज़रूर हैं पर काफ़ी शांत ये रहते हैं पशु। तो इनके साथ जितना घुल मिलकर आप रह सकते हैं उतना रहिए, ताकि यह भी आपको उतना ही प्यार दे जितना आप इन्हें दे सकते हैं। तो यह चंचल ज़रूर हैं पर काफ़ी शांत काफ यह हैं। अगली गाय आपको दिखाते हैं, तो आप इस वाली गाय को देख सकते हैं, यह भी काफ़ी शांत हैं। तो गाय सभी शांत रहती हैं, हो सकता हो थोड़ी बहुत चंचल हो, पर गाय सभी
शांत रहती हैं, जितना प्रेम से इनके साथ रहते हैं उतना अच्छी तरीके से, उतना प्रेम से गायें आपके साथ घुल मिल कर रहती हैं। काफ आप देख सकते हैं, काफ जरूर थोड़े चंचल होते हैं परंतु बड़े होने के बाद काफी शांत हो जाते हैं। तो काफ भी काफी शांत हैं और जो काफ हैं हम रेडी कर रहे हैं लगभग 2 से 3 काफ प्योर। यह जो प्योर एचएफ काफ आप देख सकते हैं, अभी इसकी जो एज है लगभग 1 साल प्लस हो चुकी है और जो मिल्किंग है हमने अच्छे से पिलाया था इसको, जो दूध है अच्छे से इसकी माँ का पिलाया था और इसकी जो एआई का समय हो चुका है थोड़ा बहुत और वेट बढ़ना चालू हो जाएगा तो इसकी जो एआई है वह हम करवाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यही हमारा फार्म है। कैसा लगता है आपको हमारा फार्म कमेंट ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नई और सही जानकारी के साथ।